तेज खबर 24 में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र से, जहां एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां गांव की पानी से भरी गड़हिन में डूबने से 3 सगी बहनों की मौत हो गई है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र से, जहां 3 सगी बहनों की पानी से भरी गड़हिन में डूबने से मौत हो गई है। घटना के बाद नागपंचमी के त्योहार में खुशियां मातम में बदल गई है और गोविंदगढ़ में मातम पसर गया है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि तमरा गांव की रहने वाली रजक परिवार की 3 बच्चियां नागपंचमी के मौके पर घर के पास ही बने पानी से भरी गड़हिन में पुतलियां बहाने गई हुई थी। इसी दौरान 3 बहनों की डूबने से मौत हो गई है। मौके पर पुलिस पहुंची और पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है रीवा के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र से, जहां पानी से भरी गड़हिन में 3 सगी बहनों की डूबने से मौत हो गई है। सूचना मिली थी कि 3 बच्चियां जो है दुखद दुर्घटनावश जो है पानी में डूब गई हैं और उनका देहांत हो गया है। तो उन बच्चियों के शव लेके जो है हॉस्पिटल होते हुए मर्चुरी ट्रांसफर करवा है। हादसा हुआ, बच्चियां कैसे पानी में डूब गई? यहाँ टैंक खुदा था, पुत्री बहाने गई थी तो उसमें पैर हल्का गया है, गिर गई नीचे। टैंक कौन खुदवाया था? टैंक जिसकी जमीन है राजू रजक। अच्छा जी, कितना गहरा टैंक था? लगभग हमारे बराबर इतना था, हम घुसे थे ना उस निकालते समय। अच्छा, आप निकाले थे? इतना था। आपके इतना पानी था जी? मतलब ये बच्चियों को पता नहीं था क्या यहाँ टैंक है? बच्चियों को क्या पता, वो तो छोट छोट है ना, तो उनको क्या, उनको खेत जैसे समझ में आ रहा था, खेत है ऐसा लग रहा था। नहीं, बाकी उनको मालूम है कि यहाँ गड़हीन है, टैंक खुदा है, सब मालूम था। ये थोड़ी जानती थी कि हम गिर जाएंगे उसमें जी। तो टैंक खुदा के छोड़ दिया गया जी? कितने साल पड़ा था ऐसे ही? अभी लगभग 2-3 महीना हुआ है। अच्छा, अभी मकान बनवाए हैं, 2-3 महीना हुआ टैंक है जी।